हरपाल संधावालिए की कविता बड़ी छोटी परंतु भावपूर्ण होंदी है। उन्हां दी कविता दा एक गुण उन्हां नूं कवियां दी अगलेरी कतार दे विच शुमार करवाउंदा है। लंबी कविता दा फिक्का पै चुका रंग ते लोकां कोल समें दी घाट दोवें उन्हां दी कविता नूं होर रौचक बनाउण दे विच सहाई होए हन। इहनूं हुण की कहीए, उन्हां दी कविता दा संग्रह है। उंज वो इतिहास बारे भी आर्टिकल लिखते हैं तो कहानी भी लिखते हैं, परंतु उन्हां दी पहचान उन्हां दी कविता ने ही बनाई है। तरन तारण के पिंड वेईपुई के जंपल हरपाल संधावालिया अजकल गुरदासपुर के जिला सिक्ख्या अफसर हैं। आओ सुनते हाँ हरपाल संधावालिया के मूहों उन्हां दी शायरी। ये शहर जो उच्ची उच्ची चीक रहा है, ये शहर जो उच्ची उच्ची चीक रहा है, असल विच इत्थों दे लोग गूंगे। अगली कविता है, मैं अपनी धौण उच्ची किवें कर सकता हाँ, मैं अपनी धौण उच्ची किवें कर सकता हाँ, इहदे उत्ते तां झुके होए सिरां अगे भी झुकिया होया सिर है। एक होर कविता है, जे तुसी पुछदे हो कि मैं समय तो पिछे क्यों हाँ, तां कारण यह है कि नाल नाल भजदा जदों मैं थक जांदा हाँ, तां दो पल अपने आप कोल बह जांदा हाँ, आराम करदा हाँ, समय नूं भजण देंदा हाँ। अगली कविता है, मैं कवि हाँ, मैं कवि हाँ, जदों किते अग वेखदा हाँ, कोई सड़दा होया घर वेखदा हाँ, तां मेरा दिल बढ़न लगता है, बढ़ते दिल विच्चों मचती हुई कविता फुटती है, तद ही मेरा ठंडा दिमाग कम करता है, तद ही मेरा ठंडा दिमाग कम करता है, मैं मचती हुई कविता नूं बर्फीले शीशे विच मढ़ देंदा हाँ अते चौक विच टिका देंदा हाँ। घर साड़न तो वेली हुई अग जदों चौक विच आउंदी है, तां मेरी कविता दे गल विच हार पाउंदी है, मैं पासे खड़ा वेखदा हाँ, खुश हुंदा हाँ, मैं कवि हाँ। अगली कविता है, ऐ कवि बाली डूंगी कविता ना लिख, ऐ कवि बाली डूंगी कविता ना लिख, असी मारूथलां जिही जिंदगी जीवन वाले, असी मारूथलां जिही जिंदगी जीवन वाले गोताखोरी नहीं जानते। धन्यवाद।